अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज की स्टोरी शुरू कर रहा हूं, ये है टेक्नोलॉजी की दुनिया। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कौन सी स्टोरी है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई जब मैंने छोटा बुश बनाया, उसके बाहर के डाई के लिए ये माइक इस्तेमाल किया, ये रफ है, और जब उसको मैंने फिनिश करना था यानी कि फाइन, तब इसके लिए मैंने डिजिटल माइक इस्तेमाल किया। ये माइक 2 से 3 इंच का है, और इसी तरह ये माइक 50 से 75 मिलीमीटर का है, यानी कि ये इंच में था और ये मिलीमीटर में है। और अब जो मैं बुश कर रहा हूँ ना, उसका साइज़ ज़्यादा था, इसके लिए मैंने ये रफ माइक इस्तेमाल किया जो 3 से 4 इंच का है। ये रफ में इस्तेमाल किया, और उसको जब फाइनल करना है उसके लिए मैंने ये माइक इस्तेमाल करना है। ये भाई 75 से 100 मिलीमीटर का माइक है, फुल एक्यूरेट साइज़ बनाना है इससे। जी जो एक्सटर्नल डाया था वो तो हो चुका हुआ फाइनल, अब इंटरनल डाया है वो बनाते हैं। इंटरनल डाया के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। भाई ये शीशा है, शीशा ये चेक करें कैसी इसकी ग्राइंडिंग हुई है। इनकी सिंपल सी भी थी, लेकिन इन दोनों की सिंपल ग्राइंडिंग हुई, लेकिन उस वाले की शीशे की तरह ग्राइंडिंग हो रही है। मैंने सोचा स्पीड मारता हूँ, क्योंकि स्पीड मारने से जल्दी काम होगा। आज मेरा यही प्लान है कि ये भरे बुश को मैं ख़त्म कर दूँ, या फिर उस स्टेज के ऊपर छोड़ के जाऊँ कि कल आऊँ इसको फाइनल करूँ। तो उस स्टेज के पास आस्ता आस्ता मैं आता जा रहा हूँ। भाई साइज चेक कर लें, लो जी अभी तकरीबन है 8000 और लगाएंगे। भाई अब की बार से अच्छा करते हैं, अभी तकरीबन है 4000 और लगाते हैं। लो जी भाई अब चेक करते हैं, लो ये रह गया 1000, यानी कि फाइनल के बिल्कुल करीब है। ये माइक है इंटरनल के लिए, जब मैं रफ करता हूँ तो ये माइक यूज़ करता हूँ, और जब उसको फाइनल करना होगा तो तब ये माइक यूज़ करूँगा जो मैं इंस्पेक्शन से लेके आया हूँ। ये बहुत ही एक्यूरेट, इसके साथ गेज भी है। खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा किस्मों से बया हो तेरे, ओ साफे हुमीदा। भाई छुट्टी का टाइम हो गया, और सबसे जो लास्ट काम होता है ना वो आपको पता है, कंप्रेसर बंद करना होता है। अगर कंप्रेसर चलता रह गया तो कल फिर कंप्लेन हो जाएगी, और जिसकी वजह से नोटिस भी मिल सकता है, वार्निंग का। भाई बाहर का मौसम देखे, चिल होता जा रहा है, मतलब कि सर्दी फिर से दोबारा आ रही है, बादल आए हुए, बारिश का भी इम्कान है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब छुट्टी का टाइम होता है ना तो बादल आ जाते हैं और बारिश भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन आज ना ऐसा हो तो छुट्टी का टाइम भी होने वाला है। तो आज की मेरी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिखो दाफ़ी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।